आपका लिवर आपके शरीर में सबसे ज्यादा काम करने वाले अंगों में से एक है, जो दिन रात बिना रुके काम करता रहता है। यह आपके द्वारा खाए गए भोजन में से जरूरी पोषक तत्व और दूषित पदार्थ अलग करता है। आपके खून को साफ करने में एक बहुत अहम रोल निभाता है। यह गैस और एसिडिटी से बचाव करता है। यह प्रोटीन भी बनाता है, जो रक्त के थक्के के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि चोट लगने पर खून न बहे। आप इसके बिना जीवित नहीं रह सकते। आज के वीडियो में हम उन खाद्य पदार्थों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें खाकर आप अपने लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं। पहले नंबर पर आता है तला हुआ खाना। आपका लिवर आपको स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन जब खाने में वसा यानी फैट ज्यादा खाते हैं, तो लिवर के काम पर बुरा असर पड़ता है। तला हुआ या ज्यादा फैट वाला खाना फैटी लिवर का कारण बन सकते हैं। अतिरिक्त वसा सूजन और टिश्यू स्कारिंग कर सकता है, जो लिवर की कार्य की क्षमता को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचाता है। इसलिए यह सबसे अच्छा है कि कम फैट वाला भोजन चुनें। अगर तेल इस्तेमाल भी करना हो तो नारियल तेल या जैतून के तेल जैसे स्वस्थ तेल इस्तेमाल में लाएं। नंबर दो पर है अल्कोहल यानी शराब। इसके बारे में तो आप पहले से ही जानते होंगे। आपके लिवर का एक कार्य शराब जैसे रसायनों को मेटाबोलाइज करना है। आपका लिवर आमतौर पर एक घंटे में लगभग 10 से 15 ग्राम अल्कोहल को प्रोसेस करता है, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा शराब पीते हैं और ऐसा अक्सर करते हैं, तो आपके लीवर में वसा जमा होने का खतरा रहता है। इस स्थिति को अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग के रूप में जाना जाता है। इसके लक्षण स्पष्ट नहीं दिखते हैं, केवल एक डॉक्टर ब्लड टेस्ट या बायोप्सी के माध्यम से इसका पता लगा सकता है। अल्कोहल लिवर में पहले से मौजूद रोग की भी गति बढ़ा सकता है। अत्यधिक शराब पीने से फैटी लिवर, हेपेटाइटिस और सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। तीसरे नंबर पर है चीनी। हालांकि यह सच है कि आपका मन चीनी के लिए बहुत ज्यादा तरसता है, लेकिन यह आपके लिवर के लिए खराब हो सकता है। अधिक चीनी खाने से मोटापा और मधुमेह होता है। ये दोनों ही फैटी लीवर रोग के जोखिम कारक हैं। कई अध्ययनों ने यह साबित किया है कि चीनी उपयोग न करने से फैटी लिवर की समस्या से निजात मिल सकता है। चीनी फ्रुक्टोज में टूट जाती है और किसी भी अतिरिक्त फ्रुक्टोज को वसा के रूप में संग्रहित किया जाता है, यानी बहुत अधिक चीनी का अर्थ है लिवर में बहुत अधिक वसा, जो आपके लिवर को एक और जोखिम में डालता है। बाजार से मिलने वाले टेस्टी कुकीज, केक, केचप, डब्बे वाला जूस और सोडा आदि में चीनी अधिक मात्रा में हो सकती है। हमेशा इन खाद्य पदार्थों को खरीदने से पहले लेबल पर चीनी सामग्री को पढ़ने की आदत बनाएं। जबकि कुछ खाद्य पदार्थों जैसे फल या स्टीविया एसेंस में पाई जाने वाली प्राकृतिक चीनी आपके लिवर के लिए सुरक्षित है। चौथे नंबर है ज्यादा मात्रा में नमक। अधिक मात्रा में कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है, और इसमें नमक भी शामिल है। हालांकि ज्यादा नमक से ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा है। यह आपके शरीर के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकता है। नए अध्ययनों से पता चला है कि आपके आहार में बहुत अधिक नमक होने से आपके लिवर को नुकसान पहुंच सकता है। सौभाग्य से एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विटामिन सी उस क्षति को कम करने में मदद करते हैं। आपको ज्यादा सोडियम वाले खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए और अपने आहार में नए खाद्य पदार्थों को शामिल करने का प्रयास करना चाहिए, जो विटामिन सी में उच्च होते हैं। डिब्बा बंद खाना खाने के बजाय ताजा फल और सब्जियां चुनें। खाना पकाने के दौरान नमक के बजाय मसाले इस्तेमाल करें। समुद्री नमक की जगह काला नमक या गुलाबी नमक इस्तेमाल करें। पांचवें स्थान पर फास्ट फूड है। फास्ट फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, मोमोज, सफेद ब्रेड, सफेद नूडल्स, केक, कुकीज, पेस्ट्री, मायोनीज आदि सरल कार्बोहाइड्रेट में शामिल हैं, जिन्हें आजकल बच्चे सबसे ज्यादा खाते हैं और कम उम्र में ही गंभीर बीमारियों के रोगी हो जाते हैं। ये साधारण कार्ब्स से अत्यधिक प्रोसेस्ड होते हैं। इनमें स्वस्थ पोषक तत्व की मात्रा बिल्कुल नहीं होती। इन्हें खाने से आपके ब्लड शुगर में तेजी से वृद्धि होती है, जिससे शरीर इंसुलिन प्रतिरोधी बन सकता है और आपको कम उम्र में ही डायबिटीज हो जाती है। इसकी वजह से फैटी लीवर और गॉल ब्लैडर में पथरी जैसे गंभीर रोग हो जाते हैं। छठे स्थान पर जिक्र होगा आपके पसंदीदा
पैकेट वाले या कैन वाले स्नैक्स। आपको हल्का सा कुछ अच्छा खाने का मन हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले चिप्स, नमकीन या स्नैक्स का ख्याल आता है। इन स्नैक्स में चीनी, नमक और फैट भारी मात्रा में होता है। इन्हें खाने के नुकसान तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इन सभी पैकेट और कैन वाले खाने को प्रेसर करने के लिए अधिक सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। अधिक सोडियम खाने से आपके लिवर की क्षमता कम होती जाती है। पैकेट वाले खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैटी एसिड होते हैं, जिनसे फाइब्रोसिस बनने का खतरा होता है। फाइब्रोसिस आगे चलकर सिरोसिस या लीवर के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। अच्छा होगा कि जब भी आपको भूख लगे तो खाने के लिए हेल्थी स्नैक्स जैसे रोस्टेड मूंगफली, रोस्टेड काजू या मखाने आदि चुनें। आप फ्रूट्स और स्प्राउट्स भी ट्राई करें। सातवें नंबर है रेड मीट यानी मांस। मांस आपके लिवर को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर जब आप पहले ही सिरोसिस या हेपेटाइटिस जैसी लिवर की गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। मांस में मौजूद जटिल प्रोटीन और वसा के कारण इसे पचाने में आपके लिवर पर बहुत दबाव रहता है, जो धीरे धीरे नॉन अल्कोहलिक लिवर रोग का कारण बन सकते हैं। एक अध्ययन में पाया गया है कि अधिक वजन वाले लोग जो बहुत सारे पशु प्रोटीन का सेवन करते हैं, उनमें फैटी लीवर का जोखिम अधिक होता है। नंबर 8 पर है सॉफ्ट ड्रिंक्स। हमें पता है कि आप इनके बिना नहीं रह सकते, लेकिन यह आपके लिवर के लिए सबसे खराब पदार्थों में से एक है, क्योंकि इसमें चीनी की मात्रा जरूरत से ज्यादा होती है। आपका लिवर पहले ही खाने में मौजूद चीनी को ठिकाने लगाने में बहुत मेहनत करता है। ऊपर से सॉफ्ट ड्रिंक पीने से लिवर अपने कार्य को ठीक से नहीं कर पाता, जो वास्तव में खतरनाक है और आगे के लिए परेशानियों का कारण बनता है। नंबर 9 पर है ट्रांस फैट्स। क्या आपको पता है कि आपके पसंदीदा कुकीज, सलाद ड्रेसिंग और माइक्रोवेव पॉपकॉर्न में ट्रांस फैट होते हैं? ट्रांस फैट्स की थोड़ी मात्रा से भी शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ट्रांस फैट से बनने वाला खराब कोलेस्ट्रॉल अगर शरीर से बाहर न निकल पाए तो आपके लिवर में एकत्रित हो जाते हैं, जिससे लिवर की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। आप इनमें से कोई भी खाद्य पदार्थ खरीदने से पहले लेबल जरूर पढ़ें। जरूरत से ज्यादा कुछ भी खाना सेहत के लिए हानिकारक है। अगर आपको अपनी कोई पसंदीदा चीज खाने का मन भी करे तो उसे लिमिट में खाएं। उचित मात्रा में पानी पिए और एक्सरसाइज जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें।